जो पार्टी नेशनल लेवल में, स्टेट लेवल में और एक कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल में क्या काम कर सकती है, पूछ सकते हैं। एक पॉलिटिकल व्यू से इलेक्शन के कॉन्स्टिट्यूंसी आप अलग व्यू से देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी नेतृत्व को जो दांडेली के डेवलपमेंट के बारे में आपसे जो कोई सलाह मिलेगी वो मैं अगर मोदी जी ने पूछा तो मोदी जी के सामने भी रखूंगा, अगर अमित शाह जी ने पूछा तो अमित शाह जी के सामने भी रखूंगा। उसे मैं एमएलए चुन के आता हूँ, एमएलए होता हूँ, वो बड़ी बात नहीं है, मगर इधर के जो प्रॉब्लम्स है, इधर का जो डेवलपमेंट होना है वो आगे के 5 ईयर्स में करना है मुझे। क्यों बोले तो आफ्टर 5 ईयर्स ये जो नेशनल पार्टी है, नेक्स्ट 5 ईयर्स के बाद इधर टिकट दिए थे क्या, टिकट नहीं मिलता है, मिलता है वो बात अलग है, उस वक्त मुझे चांस मिलेगा नहीं मिलेगा वो बात भी अलग है, बट ये जो 5 ईयर्स में मुझे जो काम करना है उसके बारे में आपका सलाह सूचना, आपकी डायरेक्शंस मुझे मांगता है। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, आप मुझे सलाह दिए तो आगे के दिन में दांडेली के डेवलपमेंट करने के लिए मुझे थोड़ा सहायता मिलेगी। इसलिए आप सब कोई कुछ भी सलाह देने के लिए, मुझे कुछ भी तकरार नहीं है, मेरा कुछ ऑब्जेक्शंस नहीं है, इसलिए हाथ जोड़ के विनती करता हूँ मुझे कुछ भी रहे तो सलाह देना आपसे, उसके बाद में मैं बात करूँगा बोल के आपको बोलता हूँ। सब है मगर टीचर्स का प्रॉब्लम है, और अभी हमने देखा था कि टीचर्स का क्या चीज प्रॉब्लम है, उनको अराउंड 6,000 रुपीज़ कुछ सैलरी मिलता है मंथली, तो उससे टीचर्स की क्वालिटी भी नहीं मिल रही है, बच्चों का या फ्यूचर्स की भी दिक्कत हो रहा है, तो एटलीस्ट कुछ मिनिमम वेजेस ऐसा कुछ जो लेबर्स को मिल रहे हैं उतना भी उनको नहीं मिल रहा है, तो वो आगे हमको क्या पढ़ाएंगे बच्चों, इसके लिए कुछ ज़रूर करना पड़ेगा। थैंक यू। सर आप तो दांडेली में ही डिग्री करे हैं, मैंने कहीं सुना था, तो उस टाइम दांडेली का एजुकेशन का लेवल बहुत हाई था, एक टाइम में दांडेली का एजुकेशन को हम लोग मिनी मणिपाल बोलते थे, यहाँ का जो एजुकेशन की जो क्वालिटी थी इट वॉज इक्वलेंट टू द साउथ कैनरा रीजन, लेकिन अभी ये हुआ है सर कि जैसे ही बच्चे का SLC होता है, बच्चे के माता पिता उनको हुबली, धारवाड़, सिरसी और दूसरे जगह पर उनको बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, लेकिन हम लोग जब कॉलेज में थे तो ये हमारी कल्पना में भी नहीं था कि हमारे आने वाली जनरेशन्स आगे जाके बाहर पढ़ने जाएंगे, PUC 1 PUC 2, ये इसके पीछे क्या कारण है उस पर आपको थोड़ा सा सर रिसर्च करना है कि दांडेली के बच्चे बाहर क्यों जा रहे हैं पढ़ने PUC 1 PUC 2, और जब वो बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए दांडेली का इनकम बहुत सीमित है, तो 11th और 2nd ईयर के लिए जब बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं तो उनका कम से कम 4 से 5 लाख रुपए का खर्चा होता है, तो हमको वो रीजन्स में जाना है कि व्हाट आर द रीजन्स बिहाइंड दांडेली स्टूडेंट्स आर गोइंग आउटसाइड दांडेली फॉर स्टडी। अगर वही लेवल जो पहले वाला जो एजुकेशन का जो हमारे दांडेली में था अगर हम वापस लाते हैं तो सभी परिवार का 4 से 5 लाख रुपए बचेंगे, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है सर कि क्या रीजन से उसमें जाके हम उसको ट्रेस आउट करके उसको रेक्टिफाई, ये एक मेरा है। और एक इसी से रिलेटेड आगे है, जब बच्चों का 12th होता है, 12th होने के बाद में चाहे वो कॉमर्स ले या साइंस ले, 100% बच्चे, 100 तो नहीं बोलता हूँ, हाँ 60-70% बच्चे बाहर जाते हैं, सेम यही रीज़न है कि पहले कोई नहीं जाता, ये क्या रीज़न है, उसमें हमको ढूंढ के उसको रेक्टिफाई करके हम दांडेली के बच्चों को दांडेली में पढ़ने से माँ बाप के ऊपर आर्थिक वजन नहीं पड़ेगा और बच्चों को भी यहाँ पे एक अच्छा एजुकेशन और माँ बाप के साथ 2-3 साल ज़्यादा रहने को मिलेगा, इसके ऊपर आप प्लीज़ थोड़ा ध्यान दीजिए। आदरणीय महानुभव और MLA के चुनाव लड़ने वाले हमारे नए प्रत्याशी, मैं तो नाम नहीं जानता लेकिन मैं इंदौर से हूँ, मेरा
ये दामाद हैं, ये भी इंदौर से हैं। वेस्टकास्ट पेपर में हमारे विठल बंग जो साले हैं उनके पास मैं आया हूँ। आपकी मीटिंग देख के मैं बहुत प्रफुल्लित हुआ हूँ। साथ ही एक बात कहना चाहूँगा मैं दांडली के लोगों के से कि अगर देश को आगे बढ़ाना है और देश के साथ कर्नाटका को भी आगे बढ़ाना है तो आपको भाजपा को वोट देना चाहिए, चाहे कैंडिडेट कोई भी हो, कैंडिडेट कोई भी हो। आज हमारा इंदौर स्वच्छता में नंबर वन है। पिछले 5 सालों से आप एक कचरा या एक धूल का कण भी वहां नहीं देख सकते, रात भर सफाई होती है वहां पे। मतलब बीजेपी के हम आरएसएस के लोग इस तरह से डाइवर्ट होकर काम करते हैं कि अपने देश के लिए हम मर मिटने को तैयार हैं। ऐसा ही मैं चाहता हूं कि हमारे नए एमएलए को भी आप वोट देवें और इनको जिताएं ताकि देश का उत्थान और विदेशों में जो नाम आज चल रहा है उसको और आगे बढ़े। धन्यवाद। तो अकॉर्डिंग टू द सबका साथ सबका विकास जो हमारे सेंटर्स के जो बोलते हैं नारे, और सिटिंग होम मिनिस्टर को भी अपना जबान पे लगाम लगाना चाहिए, बिकॉज कर्नाटक में अगर गैर बीजेपी आती तो राइट्स, दिस इज नॉट द शोभा ऑफ दिस हैज टू बी कन्वेट टू द सीनियर मिनिस्टर्स एट द सेंट्रल लेवल इफ यू वॉन्ट 100% डेवलपमेंट अलॉन्ग विद द कल्चर एंड यह सबका साथ सबका विकास, दिस इज द स्लोगन। थैंक यू। चलिए सर लाइक तुम बड़ी इधर कन्वे बड़ी ओके। We are having very proud privilege that you have come over here to address all of us with your lot of expectations from Dandeli. We feel that this elections is a very critical one, and we hope that with the support of all of us, definitely you will be our winning candidate. साथ में आपका जो love and affection है डांडेली के प्रति और जो आपका आगे भी हम सबको सपोर्ट रहेगा उसके लिए बस मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि जैसे झूलों में झूलो आप, फूलों में फूलो आप, झूलों में झूलो आप, फूलों में फूलो आप मत, लेकिन हम सब की यही प्रार्थना रहेगी कि हम सबको आप मत भूलना जीतने के बाद। जैसे जो भी डेवलपमेंट अभी तक डांडेली में हुआ है वो ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन आगे बहुत कुछ डेवलपमेंट बाकी है। तो जिस तरह से पूरे देश में डबल इंजन की सरकार है, वैसे अगर यहाँ पर भी डबल इंजन की सरकार का हमको बेनिफिट मिलेगा तो आपको जितना जरूरी है, और डांडेली का डेवलपमेंट बहुत कुछ बाकी है वो आप कर सकते हैं। तो हम सबके सपोर्ट से डेफिनेटली वी थिंक दैट डांडेली विल शाइन लाइक एनीथिंग। इतना बड़ा जगह, इतना बड़ा रिसोर्ट का प्लेस, इतनी अपॉर्चुनिटीज है, वो आप जब भी इधर लाएंगे तो डेफिनेटली डांडेली विल इम्प्रूव और ये डांडेली से दार्जिलिंग जैसा बन सकता है। तो डेफिनेटली आप इसके लिए हम सबसे भगवान से भी प्रार्थना करते हैं, सबसे भी प्रार्थना करके कि आप इस इलेक्शंस में बहुत हाई मार्जिन से जीत के आए और जो भी डेवलपमेंट अभी तक हुआ है उसके भी आप आगे हमको कर दें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार सुनील साहब, KHB ने एक स्कीम फ्लोट की थी 15 ईयर्स बैक। जो पैसा हमने भरा वो हराम का पैसा है, ना जमीन का पैसा, ना जमीन का पता, ना पैसे का पता। ये कुर्ते ना कुर्ते ये कुर्ते ना कुर्ते, व्हाट इज दिस नॉनसेंस गोइंग ऑन, इस चीज को जरा रेगुलेट करो, ये हमारी रिक्वेस्ट है। तोमर बंधु इल मैन्युफैक्चर वाले का और रिपोर्ट आ गया। इंडियन प्लाईवुड के इल नम इदंत इन गिडगळ मेले डिपेंड इत्तु, ईग गिड कडीलकू बरु इदाग आ इंडस्ट्रीनु ಹೊಸದಾಗಿ ಶುರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಆ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಆಗದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ದೇಶಗಳು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿಥೌಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಖಾಲಿ ಟೂರಿಸಂ ಮೇಲೇ ಆ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಆದಾಯ ಬರ್ತದೆ, ಓನ್ಲಿ ಟೂರಿಸಂ. ಅದನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಶಾಸಕರಿಗೆ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಇರಲೇಬೇಕು. ಆ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿನ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ನಾವು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು, ಆದರೆ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇದ್ದಂತ ಶಾಸಕರು ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ, ತೋರಿಸದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಸಹಜವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ
ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತೇನು ನಾವು ದಾಂಡೇಲಿ ಟೂರಿಸಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಟೂರಿಸಂ ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನ, ಟೂರಿಸಂ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಟೂರಿಸಂ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯುವಂತ ಟೂರಿಸಮೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಟೂರಿಸಂ. ಇದು ಲಾಜ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆ ರೀತಿ ಟೂರಿಸಂ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಲಾಜ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ. ಟೂರಿಸಂಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಟೂರಿಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿದ್ದಂಥ ನಮ್ಮ ಕಾಡನ್ನು, ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿದ್ದಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಿಸೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು,